नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मस्ती चैनल में। यहाँ पर हम करते हैं सभी प्रकार के मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग। तो हमेशा की तरह आज भी करेंगे दो स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग एक साथ। आज हमारे पास पहला स्मार्टफोन है इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस और दूसरा स्मार्टफोन है रियलमी C1। दोनों की अनबॉक्सिंग करेंगे एक साथ, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक डिजाइन, कैमरा और साथ ही साथ फेस अनलॉक पर। सबसे पहले बात करें दोनों मोबाइल की कीमत की, तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस आपको ऑनलाइन 7,000 रुपये तक की कीमत में मिल जाएगा, वहीं रियलमी C1 आपको मिलता है 7,500 रुपये तक की कीमत में। दोनों में आपको 2GB रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस में आपको मिलते हैं रियर में AAA कैमरा 13+ 2 MP का, सेल्फी कैमरा आपको मिलता है 8 MP का, बैटरी दी गई है आपको 3500 mAh की। रियलमी C1 में आपको 13+ 2 MP के ड्यूल रियर कैमरा मिलते हैं, 5 MP का आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है, 4230 mAh की बैटरी के साथ यह सेट आता है। तो जल्दी से करते हैं दोनों मोबाइल की अनबॉक्सिंग, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन यहां पर होगा उसको जरूर दबा दें, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो जल्दी से करते हैं दोनों मोबाइल के अनबॉक्सिंग को स्टार्ट। ये हैं हमारे दोनों स्मार्टफोन जो आते हैं कुछ ऐसी पैकिंग के साथ। जल्दी से कर लेते हैं दोनों के बॉक्स को ओपन और सबसे पहले नजर डालते हैं बॉक्स कंटेंट में हमें क्या क्या दिया गया है। दोनों मोबाइल के बॉक्स हो गए हैं ओपन। सबसे पहले इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस पर नजर डालें तो सबसे ऊपर हमें स्मार्टफोन दिया गया है, इसको हम साइड में रख लेते हैं। अंदर हमें एक चार्जर अडाप्टर इसमें दिया गया है जिसकी आउटपुट रेटिंग हमें मिलती है 5 वोल्ट 1.2 एम्पियर की, जो कि काफ़ी कम है, एक माइनस पॉइंट है। कम से कम हमें इसमें 2 एम्पियर का चार्जर मिलना चाहिए था। साथ ही आपको एक नॉर्मल USB केबल इसके साथ मिल जाती है और क्विक स्टार्ट गाइड यूजर मैनुअल दिए गए हैं। इनको साइड में रख के अंदर देखें तो हमें एक स्क्रैच गार्ड इसके साथ दिया गया है और अंदर हमें एक कवर भी मिल जाता है फ़ोन की सुरक्षा के लिए। कुछ इस टाइप का हमें इसमें कवर दिया गया है, हार्ड कवर, और कवर में आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर फ़ोन पे लगा के देख लेते हैं एक बार कवर को, तो कुछ इस टाइप से बैठेगा यहाँ पर कवर और इसके बाद हमारा फ़ोन का बैक साइड कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब नज़र डालते हैं रियलमी C1 में, तो इसके सबसे ऊपर हमें एक मिनी बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइड, क्विक स्टार्ट गाइड दिया गया है और यहाँ पर हमें मिल जाता है एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का कवर मोबाइल की सुरक्षा के लिए। इसके बाद हमें मिलता है हमारा स्मार्टफोन और अंदर इसके भी हमें एक चार्जर अडेप्टर दिया गया है जिसकी आउटपुट रेटिंग हमें इसमें मिलती है 5 वोल्ट 1 एम्पियर का चार्जर हमें इसमें दिया गया है, जबकि 4230 mAh की हमारी बैटरी है और सिर्फ 1 एम्पियर का चार्जर हमें इसमें दिया गया है। तो इसमें भी हमें 2 एम्पियर का चार्जर मिलना चाहिए था 4230 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए। साथ ही आपको नॉर्मल USB केबल मिलती है और कुछ नहीं है। और यहाँ पर अब हमारा मोबाइल है, इस पर भी हम कवर लगा के देख लेते हैं, कवर को बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमने दोनों मोबाइल में कवर लगा दिए हैं, तो कवर लगाने के बाद कुछ इस टाइप के हमें मोबाइल देखने को मिलते हैं। अब नज़र डालते हैं हमारे दोनों स्मार्टफोन पर। ये है हमारे दोनों स्मार्टफोन, इनका फ्रंट लुक देखें तो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है फ्रंट साइड से, वहीं बैक साइड देखें तो दोनों में हमें ग्लास फिनिश मिल जाती है। दोनों की आप देख सकते हैं बैक साइड काफ़ी अच्छी फिनिश हमें मिल जाती है और रियलमी C1 में हमें फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, जबकि इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। तो इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस में आपको राइट साइड में पावर ऑन की और वॉल्यूम रॉकर एक साथ मिल जाते हैं, ऊपर की साइड कुछ नहीं मिलता है। लेफ्ट में हमें सिम ट्रे दी गई है और बॉटम में हमें चार्जिंग जैक, स्पीकर ग्रिल, माइक और 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है सारा कुछ बॉटम में। बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर है और साथ ही आपको AAA कैमरा इसमें मिल जाते हैं 13+ 2 MP के। यहाँ पर 2 MP का हमारा डेप्थ कैमरा है और तीसरा हमारा लो लाइट सेंसर का वर्क करता है, जो कि आपको लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। फ्रंट में हमें 8 MP ड्रॉप नॉच के अंदर दिया गया है। वहीं रियलमी C1 में देखें तो इसमें हमें राइट साइड में पावर ऑन की मिलती है, ऊपर की साइड कुछ नहीं है। लेफ्ट में हमें सिम ट्रे और वॉल्यूम रॉकर एक साथ मिलते हैं। बॉटम में देखें तो यहाँ पर स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग जैक, माइक और 3.5 mm का ऑडियो जैक एक साथ इसमें भी दिया गया है। बैक साइड फिंगरप्रिंट सेंसर तो नहीं है, मगर यहाँ पर रियर में आपको ड्यूल कैमरा मिल जाते हैं 13+ 2 MP के विद LED फ्लैश लाइट।
फ्रंट में आपको मिलती है नॉच डिस्प्ले, जिसके अंदर हमें 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब दोनों की पावर को कर लेते हैं ऑन। दोनों मोबाइल की पावर को हमने कर दिया है ऑन, तो यहाँ पर हमें काफी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी दोनों में देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दोनों का हमने फुल कर दिया है ताकि हमें और अच्छे से डिस्प्ले देखने को मिले। तो यहाँ पर आइकन कुछ इस टाइप के हमें दोनों में देखने को मिल जाते हैं। दोनों में हमें प्री इंस्टॉल ऐप भी मिल जाती है, जैसे कि व्हाट्सअप, फेसबुक, यूसी ब्राउजर, अमेजन शॉपिंग, फ्लिपकार्ट जैसी ऐप आपको प्री इंस्टॉल दी गई है दोनों मोबाइल में। हालांकि आप इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिस्प्ले साइज की बात करें तो दोनों में हमें 6.2 इंच की HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलती है। तो यहाँ पर हम नॉच का डिफरेंस हमें दोनों में मिलता है। यहाँ पर हमें इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस में वाटर ड्रॉप नॉच दी गई है, जबकि हमको रियलमी C1 में हमें बड़ी नॉच मिलती है। बाकी स्क्रीन रेजोल्यूशन हमें 720x1520 पिक्सल का दोनों में मिल जाता है। पिक्सल डेंसिटी भी हमें दोनों में 271 PPI की दी गई है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस में आपको 7.8 mm की थिकनेस मिलती है, जबकि रियलमी C1 में आपको 8.2 mm की थिकनेस दी गई है। इसका मतलब यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस से काफ़ी मोटा है हमारा रियलमी C1। वेट की बात करें तो यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस हमारा 148 ग्राम का है, जबकि रियलमी C1 आपको 168 ग्राम का मिलता है। अब नज़र डालते हैं दोनों मोबाइल की सेटिंग में। तो सबसे पहले इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस की सेटिंग में हम चले जाते हैं, और सेटिंग में जाने के बाद सबसे नीचे सिस्टम दिया गया है। सिस्टम में हमें सेटिंग में सारी जानकारी दी गई है। यहाँ पर हमें 2GB रैम मिलती है, 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, लो लाइट कैमरा का फीचर है और ट्रिपल कैमरा, और 2GHz का हमें इसमें क्वाड कोर मिलता है हमें इसमें 2GHz का, और चिपसेट हमें MediaTek Helio A22 का इसमें दिया गया है। Android 5 के साथ यह आता है। बाकी की इन्फॉर्मेशन आप अबाउट फोन सेक्शन में भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमें Android वर्जन 9 मिल जाता है। और अब नज़र डालते हैं Realme C1 की सेटिंग में। तो इसमें भी हम सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग में हमें अबाउट फोन सेक्शन में जाना है, और यहाँ पर हमें मॉडल नंबर कलर OS वर्जन हमें इसमें मिलता है 5.2.1 का। एंड्रॉयड वर्जन इसमें हमें 8.1.0 जो कि ओरियो हमें इसमें मिलता है, जबकि हमें इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस में पाई मिलता है। प्रोसेसर इसमें हमें ऑक्टा कोर मिलता है 1.8 GHz का ऑक्टा कोर, और चिपसेट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 का हमें इसमें दिया गया है। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब नज़र डालते हैं दोनों मोबाइल के कैमरे में। तो यहाँ पर रियर कैमरा हमने दोनों का ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस का हमें काफ़ी कलरफुल कैमरा देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा लाइट हमें इसमें देखने को मिल जाती है। दोनों मोबाइल से हम एक एक पिक्चर यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं और देखते हैं हमें कैसी क्वालिटी मिलती है दोनों इमेज से। तो ये है दोनों से ली गई पिक्चर। तो यहाँ पर हमने फुल जूम कर दिया है, तो दोनों के कैमरे हमें लाजवाब लगे, काफ़ी अच्छे। वहीं सेल्फ़ी की बात करें तो यहाँ पर हम सेल्फ़ी कैमरा भी ऑन कर लेते हैं, तो दोनों की सेल्फ़ी, यहाँ पर थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ पर ऊपर से ले लेता हूँ एक सेल्फ़ी। तो ये है दोनों मोबाइल से ली गई सेल्फ़ी। यहाँ पर इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस की काफ़ी अच्छी सेल्फ़ी हमें देखने को मिल जाती है। बाकी कुछ पिक्चर्स मैंने इससे ली हैं, वो आपको दिखा देते हैं। तो ये आउटडोर में ली गई पिक्चर हैं, आप क्वालिटी देख सकते हैं। दोनों से ली गई पिक्चर्स काफ़ी अच्छी हमें दोनों में मिल जाती है। ये है सेल्फी, आउटडोर में ली गई सेल्फी, और ये देख सकते हैं दोनों में काफ़ी अच्छा हमें पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। आप नज़र डालते हैं दोनों मोबाइल के फेस अनलॉक पर। दोनों मोबाइल में हमने फेस अनलॉक सेट कर दिया है, हमारे डिवाइस अभी लॉक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इन्हें मैं फेस की तरफ करता हूँ और देखते हैं यहाँ पर 3, 2, 1। काफ़ी टाइम लिया इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस ने, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है रियलमी C1 के मुकाबले। दोनों की हम साइड को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये है हमारा इन्फिनिक्स और ये है रियलमी C1, और यहाँ पर एक साथ हम यहाँ पर की प्रेस करते हैं तो साइड चेंज करने पर भी हमें रियलमी C1 का फेस अनलॉक फास्ट देखने को मिलता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस के मुकाबले। तो यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको दोनों में से कौन सा मोबाइल अच्छा लगा। अगर आपने परचेज़ किया हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कोई भी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी मदद मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।